नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हरीश और वर्तिका किचन में। आज हम आपके लिए बनाएंगे कढ़ाई चिकन हमारे अपने स्टाइल में। ये रेस्टोरेंट स्टाइल से थोड़ा हटके होगा, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो चिकन, 5 स्मॉल प्याज, 1 टमाटर और जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों ये बेहतरीन रेसिपी। सबसे पहले हम आज चिकन मसाला यूज़ नहीं करेंगे, नॉर्मल वाला जो स्टोर में मिलता है। आज हम चिकन मसाला अपने घर में खुद बनाएंगे। चिकन मसाला बनाने के लिए आपको चाहिए इस टेबल स्पून से, ये एक स्टैंडर्ड साइज़ का टेबल स्पून है, इससे हम लोग मसाले यूज़ करेंगे। 2.5 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून जीरा, 20 साबुत काली मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा पीपली का, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 3 हरी इलायची, 2 तेज़पत्ता, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 सूखी लाल मिर्च। इसे पहले हम रोस्ट करेंगे, उसके बाद हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। सबसे पहले इसमें धनिया डालेंगे, धनिया को हम लोग 40 सेकंड तक भून लेंगे। अब इसमें हम लोग जीरा ऐड करेंगे और जीरा हम लोग तकरीबन 20 सेकंड के लिए भूनेंगे। जीरा भी भुन गया है दोस्तों, अब सारे मसाले ऐड कर लेंगे और इसे हम लोग 10 सेकंड के लिए भूनेंगे लो फ्लेम पे। एक बात का ध्यान रखें दोस्तों कि आपके मसाले बिल्कुल ना जलें। अब गैस को बंद कर दीजिए और हम मसालों को अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग प्याज कट कर लेते हैं। दोस्तों हमारा प्याज कट गया है, अब हम टमाटर को भी काट लेते हैं। तो पहले हम लोग कढ़ाई में ऑयल यूज़ करेंगे। ऑयल हम सरसों का यूज़ कर रहे हैं और टेबल स्पून से डाल रहे हैं, तो इसमें हम लोग करीब 7 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। अब ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया, अब इसमें हम प्याज डालेंगे। बीच बीच में प्याज को चलाते रहें, ध्यान रखें कि प्याज जले नहीं और प्याज को फुल फ्लेम में ही पकाइएगा। अब हमारा प्याज जो है परफेक्टली कुक हो गया है दोस्तों। इसे पकाने में मुझे 5 मिनट लगे हैं। अब ध्यान रखें इससे ज़्यादा इसे ना पकाएं। अब इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। फिर इस तरह से इसे थोड़ी देर और भूनेंगे और फिर हम लोग इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ये देखिए प्याज हमारा पूरा भुन गया है, अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देते हैं और टमाटर के साथ थोड़ी देर चलाइए और उसके बाद हम लोग इसमें सूखे मसाले ऐड कर लेंगे। अब हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून देगी मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून नमक। ये मसाला हमने पीस के रख लिया दोस्तों, इसको हम यूज़ करेंगे 2.5 टेबल स्पून। ये स्टैंडर्ड साइज़ का चम्मच है टेबल स्पून का, आप देख लीजिए 2.5 टेबल स्पून डालना है आपने इसे। और ये देखिए थोड़ा सा बच गया है इसमें जितना हमने बनाया था। इसके अलावा कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप यकीन मानिए ये बहुत ही बेहतरीन बनेगा। कोई एक्स्ट्रा मसाला ना डालें, इतना मसाला मोर देन इनफ है। एक मिनट तक मसाले को पकाने के बाद अब इसमें चिकन ऐड करेंगे। आप चिकन में पानी बिल्कुल ऐड ना करें दोस्तों, चिकन में पानी अपने आप चिकन ही छोड़ देगा, तो पानी ऐड ना करें बिल्कुल भी। ये देखिए दोस्तों हमने मसाला और चिकन अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसे हम लोग ढक के लो फ्लेम पे 30 मिनट के लिए पकाएंगे। सिर्फ 30 मिनट में आपका चिकन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 10 मिनट के बाद एक बार चिकन को खोल के हम लोग
अच्छे से चला लेते हैं ताकि चिकन जो है वो नीचे लगे नहीं। अब इसे ढक के 20 मिनट और पकाएंगे लो फ्लेम पे। तो पूरे 30 मिनट इसको चिकन को पकते हुए हो गए दोस्तों। अब हम चिकन को देखते हैं। ये देखिए चिकन आपका पूरा कम्प्लीटली कुक हो गया दोस्तों। हम लोग चिकन को थोड़ा ड्राई रखेंगे तो हम इसकी गैस जो है फुल कर लेंगे और हम थोड़ा सा पानी को सुखा लेंगे। तो दोस्तों हमारे लिए इतना काफी है, हम लोग को इतना ग्रेवी चाहिए। और अगर आपको इससे भी ज्यादा इसको ड्राई करना है तो आप थोड़ी देर और पका लीजिए, मुश्किल से 30 सेकंड और। तो बस दोस्तों हमारी रेसिपी तैयार है। चलिए दोस्तों इसको डिश आउट कर लेते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, हम ऐसी ही बेहतरीन रेसिपीज आपके लिए लाते रहेंगे।